नमस्कार, बिग ब्लॉगर में आपका स्वागत है और मैं आपका भाई विराट विशाल यादव। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मोमिता देवनाथ, जिनको कोलकाता में जो है आरजीकर कॉलेज में उनके साथ गलत हुआ था। और फिलहाल उनका वीडियो जो काफ़ी ज़्यादा आप देखे होंगे या काफ़ी ट्रेंड हो रहा है सोशल मीडिया पर कि जो महिलाओं के साथ गलत हुआ है तो उनका इंसाफ चाहिए। तो दोस्तों, आइए हम मोमिता देवनाथ के बारे में थोड़ा आपके बीच चर्चा करते हैं। ऐसे तो ये खबर बहुत दुखद ही है, क्योंकि हमारे देश में महिला सुरक्षित नहीं है तो हम कहाँ से खुशी मनाएं। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि हमारे देश में कि महिलाओं के साथ जब गलत हो जाए तो लोग मोमबत्तियाँ लेकर जो है उनका मार्च निकालते हैं। लेकिन बता दें हम दोस्तों कि ये मोमबत्तियाँ लेकर जब हम मार्च निकालते हैं, इसी प्रकार से अगर हम इकट्ठा होकर और माइंड में को हम अपना में माइंड में मोमबत्ती जलाएंगे, बाहर मोमबत्ती जलाकर दिखाने से कुछ नहीं होगा। अगर हम मन की मोमबत्ती जलाते हैं कि हम देश की बेटियों के साथ, देश के आवाम के साथ हम कुछ गलत नहीं होने देंगे, तो दोस्तों कहीं भी और किसी भी हालत में गलत आगे नहीं बढ़ सकता। दोस्तों बता दें, मोमिता देवनाथ के साथ जो गलत हुआ है उनसे पूरी दुनिया शर्मिंदगी महसूस कर रही है। और यहाँ पर देखा जा रहा है हमारे भारत में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो उनका सोशल मीडिया पर गलत तरीके से सर्च वेब में सर्च करते हैं और उनका जो गलत अर्थ निकाल के सर्च वेब पर सर्च करते हैं। तो लोग दुखी से ज़्यादा ऐसे ऐसे हमारे भारत में नए युवा हैं और कौन लोग हैं जो गलत उनके ऊपर गलत उनका वेब पर सर्च करते हैं, उनका जो वीडियो गलत तरीके से सर्च करते हैं, तो ये सब कहीं कहीं गलत बात है। आइए हम बात करते हैं मोमिता देवनाथ जिनके साथ गलत हुआ आरजीकर कॉलेज में। तो आइए बताते हैं उसके अंदर की कहानी, कि अंदर की कहानी क्या है और कैसे मोमिता देवनाथ के साथ जो है गलत किया गया। दोस्तों बता दें, संजय राय जो मोमिता देवनाथ के कांड के साथ उनका जो लगाव जुड़ा है वो कैसे हुआ, तो बता दें। वीडियो के अंदर तक जाने से पहले मैं बता दूं कि संजय राय एक ऐसे व्यक्ति हैं जो मोमिता देवनाथ के साथ गलत किए और उनके केस से वो रिलेटेड हैं और उनके फ़ोन से डिवाइस कनेक्ट भी था, उनका ब्लूटूथ डिवाइस, जब पुलिस उनको इंक्वायरी किया तो दोस्तों आइए हम बात करते हैं और थोड़ा नज़दीकी से इस चीज़ पर चर्चा करते हैं और उसके नज़दीकी से हम बात करते हैं, उसके अंदर तक ले जाते हैं और सच्चाई क्या है वो हम दिखाते हैं आपके। दोस्तों बता दें कि संजय राय कौन है, वो 3 बार शादी कर चुका है। दोस्तों बता दें जो मोमिता देवनाथ के साथ गलत किया संजय राय, वो 3 शादी कर चुका है और एक नशेड़ी है। बता दें कि वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो वहाँ के पुलिस से जुड़े हुए थे, वहाँ के लोकल क्षेत्र के पुलिस से जुड़े हुए थे, वहाँ के हॉस्पिटल के मेन जो होता है उनसे जुड़े हुए थे, वहाँ का प्रिंसिपल से जुड़े हुए थे। हॉस्पिटल में जो मेन होता है, जो डॉक्टरों का मेन होता है उनसे जुड़े हुए थे, वहाँ के बहुत डॉक्टर मेल डॉक्टर के साथ उनका लगाव था और वहाँ पर वो गार्ड के काम करते थे, सिविल सर्विस। दोस्तों बता दें उनको वहाँ पर 1000 गलती करने के बाद भी जो संजय राय को उसमें जॉब दिया गया, तो ये हॉस्पिटल में बता दें वहाँ का जो प्रिंसिपल था, वहाँ का कंस्ट्रक्शन का काम करता था, वो संजय राय से कनेक्ट में था और दोनों मिलकर घपला करता था पैसा का। और बता दें कि संजय राय एक ऐसे व्यक्ति थे जो घूस लेकर, बाहर से घूस लेकर अंदर सीट दिलवाते थे लोगों को, और उनका ये कार्यक्रम घूस लेना और एडमिट करना मरीजों को एवं छात्रों के साथ, जब उनका एडमिशन के साथ कुछ घूस लेना, बता दें कि करप्शन इतना बढ़ गया था संजय राय और वहाँ का प्रिंसिपल के साथ कि वो दोनों मिलकर कॉलेज को बर्बाद पूरी तरह से कर दिए। लेकिन दोस्तों जब कहा जाता है ना कि पाप का घड़ा फूटता है तो पूरा तरह से बिखर जाता है और इंसान को बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। कुछ ऐसा ही संजय राय के साथ हुआ और जो गलत किया, बता दें जब से वो आरजीकर कॉलेज में इंट्री किया था तब से लेकर 2024 तक कोई भी नया उसमें अधिकारी आता, कोई भी उसमें प्रिंसिपल आता, कोई भी उसका हेड बनता, उसके साथ उसका कनेक्टिविटी बढ़ते जाता। बता दें उस क्षेत्र का जो भी पुलिसकर्मी आते थे,
कोई भी ऑफिसर आते थे उनसे उनका लगाव बढ़ जाता था, और सब चोर एक साथ मिलके जो कॉलेज को लूटना एवं उनके वहां के औरत महिलाओं के साथ गलत करना अपना पेशा बना रखा था। दोस्तों बता दें कि खबर के मुताबिक पता चला है कि वहां पर शरीर के पार्ट्स को भी तस्करी किया जाता था, और वहां का जो डस्ट पार्ट होता है जैसे में हो गया ऑक्सीजन सिलेंडर, उसमें के वायर पाइप वगैरह ये सब जो हो जाता है, और वहां का नीडिल वगैरह ये सब, वो भी डस्ट पार्ट, वो सरकारी डस्टर के द्वारा उसको जो किया जाता था, जो डस्टबिन ले जाता है सरकारी, उसको सही तरीके से उसको कचरे में गलाएगा ताकि उससे HIV वगैरह सब बीमारी जो बाहर ना फैले, जो लोग उसको क्लीन करके और फिर से उसको बेचना चाहेगा, रीसेल करना चाहेगा, तो इससे बीमारी फैल सकता था। तो ये भी चीज को वो चुप से कचरा बेच देता था बाहर में, मोटा रकम कमाता था, और देश देश और बता दे वहां के लोगों के साथ खिलवाड़ भी करते थे। दोस्तों बता दे संजय रॉय एक ऐसे व्यक्ति है, घिनौना व्यक्ति है, जिन्होंने 3 शादी की, पहली बीवी को मारपीट कर भगा दिया, दूसरी बीवी को 3 महीने के जब उनके पेट में बच्चा था तो उनको भी मारकर और हत्या कर दिया। दोस्तों उसके बाद उनके माता पिता जब केस किए तो वहां का जो पुलिसकर्मी थे, वहां का अधिकारी पुलिसकर्मी थे, उन्होंने उन पर केस लगाना तो दूर की बात, उनके ही ऊपर उल्टा केस कर दिया। दोस्तों बता दें ये चीज जब कोर्ट तक गई तो वहां कोर्ट भी उनका कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि उसके पीछे मंत्री तक का हाथ था। और फिलहाल अभी सोशल मीडिया पर देख ही सकते हैं कि किस प्रकार से संजय रॉय को बचाने की कोशिश किया जा रहा था, लेकिन कहा जाता है ना जो नॉर्मल पुलिस से CBI को केस सौंप दिया गया, इसीलिए क्योंकि जानता है कि वहां का पुलिस मंत्री के बात मानेगा, नहीं तो उसका हर समय ट्रांसफर करा देगा, इधर से उधर कर देगा, उसको नौकरी खा जाएगा, उसके जान पर आ जाएगा। इसलिए उन्होंने वहां के पुलिसकर्मी ने जब देखा कि अब हम सब फंस रहे हैं तो वो केस CBI को सौंप दिया, और इसके बीच कई ऐसे शख्स सामने आए हैं। दोस्तों बता दें संजय रॉय एक ऐसे कातिल है जिन्होंने मोमिता देवनाथ के साथ गलत किया और उनको जान से जो है मार दिया। दोस्तों बता दें जब मोमिता देवनाथ अपने ड्यूटी के दौरान जब सुबह लमसम वही 2-2.5 बजे के आसपास में अपने परिवार से बात करके 3-3.5 के आसपास में वो अपने जो है हॉस्पिटल के ही रेस्ट रूम में गए और वहां पर जो रेस्ट किए, उसके बाद जो बता दे संजय रॉय अपने साथी के साथ दारू पी कर आए और वहां अपने दोस्त को छोड़कर बाहर और वो खुद अंदर आए, जिसमें दोस्त को बताया जा रहा था कि उनकी दोस्त के जो कुछ रिश्तेदार थे वो हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो दोनों आए लेकिन उनका जो दोस्त था वहां से बाइक बुक करके अलग चले गए, और संजय रॉय जो कॉलेज में घुसकर कई जैसे CCTV के माध्यम से देखा गया तो पता चला कि कई ऐसे जगहों पर उन्होंने गए और कई रूम में तलाश की महिलाओं को, कोई भी अगर पा जाए तो उनके साथ गलत करने का। लेकिन मोमिता देवनाथ का उस दिन दिन खराब था और वो उसमें पकड़ा गई, सोई हुई थी और उनके साथ गलत किया और उनको जो है जान से मार दिया गया। दोस्तों बता दें कि मोमिता देवनाथ के बॉडी के पास जो ब्लूटूथ डिवाइस टूटा मिला, उसको संजय रॉय के रूम में जब ले जाते ही ऑटोमेटिक कनेक्ट हो गया उसके फोन से, इसके आधार पर पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया, और जैसे ही पकड़ाया संजय रॉय ने पूरा सच उगल दिया कि दोस्तों ये कहीं ना कहीं गलत है, उन व्यक्ति को कार्रवाई करना चाहिए उन व्यक्ति के ऊपर जिन्होंने इस तरीके से घिनौनी हरकत कर रहे हैं हमारे देश के अंदर। दोस्तों बता दें जब संजय राय मोमिता देवनाथ के साथ गलत किया, उसके बाद अपने रूम में आते हैं और अपना वस्त्र धोकर दूसरा वस्त्र पहन लेते हैं, लेकिन पुलिस भी क्या करे, वो भी मंत्री और वहां के नेताओं एवं वहां के पुलिसकर्मियों जो अधिकारी हैं उनके तले दबे होते हैं ना, इसलिए वो सही से काम नहीं कर पा रहे थे। जब CBI को सौंपा गया, CCTV का रिकवर किया गया डाटा जब जो डिलीट था, उससे पता चला कि संजय रॉय जो है हत्या किया, उसका पूरा साजिश सामने आया संजय रॉय का, जो कैसे ढूंढ रहे थे, कई ऐसे रूम में घुसे और ढूंढे कि कोई भी अगर महिला हो तो उनके साथ गलत कर ले। दोस्तों उनका जो फोन में पकड़ाया है, उनके सर्च हिस्ट्री में ऐसी ऐसी घिनौनी हरकत पकड़ाया है, जो पुलिसकर्मी जब उनको फोन को खंगाला तो ऐसे ऐसे हरकत निकला कि कुछ कहने लायक नहीं। दोस्तों बता दें इससे पहले भी संजय रॉय पर कई ऐसे आरोप, जो महिलाओं के छेड़खानी एवं उनको परेशान करना केस आया था, लेकिन बता दें
जब वो अपने पत्नी के ऊपर उल्टा केस करवा सकते हैं, संजय राय जो इतने पावरफुल हैं, तो उन पर क्या किए होंगे? हर किसी के साथ वो छेड़छाड़ करना जो है चालू कर दिया होगा, किया होगा, क्योंकि वो व्यक्ति ही गंदा था। दोस्तों आइए हम बता देते हैं कि संजय राय जब उनके साथ गलत किया, उसके बाद उनके साथ कई जो है साथी उनके थे जो बाहरी कॉलेज से लगाव था, वो लोग जो है उनको सपोर्ट करते थे और उनके लिए खड़ा रहते थे, लेकिन जब फंस गए तो उनके साथ में जो साथी थे वो भी जो है सच बोल दिए, और संजय राय तो सच बोलते ही उनको पुलिसकर्मी ने अपनी हिरासत में ले लिया, और उनके साथ जो बर्ताव किया वो भी फिलहाल चल रहा है सोशल मीडिया पर। और ममता दीदी ने जो बयान दिए हैं कि 29 दिन के अंदर में जो अभी हुआ है एवं अब होने वाला है, जो करेगा उसके ऊपर 29 दिन के अंदर कार्रवाई किया जाए, छानबीन किया जाए, उसके बाद 29 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए कार्रवाई, उसके बाद अगर गलती साबित हो रहा है तो 10 दिन के अंदर उसे फांसी दे देना चाहिए। तो दोस्तों ये चीज़ हमें अच्छा लगा ममता दीदी का बयान, लेकिन इससे पहले जो लोग उन पर आरोप लगाए थे कि वो लेडी ही ऐसी थी, जो डॉक्टर थी वो ही गलत थी, तो ये सब गलत बात है। आप उनकी आत्मा की शांति के लिए ओम शांति जरूर कमेंट में लिखिए। दोस्तों बता दें मोमिता देवनाथ एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने पिता को मेहनत को रंग लाने के लिए डॉक्टर की पढ़ाई की, अपने जो किताब लिखी थी, डायरी लिखी थी, उसमें कुछ उनका जो जीवन काल सामने आया था कि जो है उनमें बताई थी कि हम बड़े से बड़े डॉक्टर में काम करेंगे। उनके पापा जी दर्जी थे और उन्होंने अपने पापा का सपना पूरा किए और बोले कि हम एक दिन बड़े हॉस्पिटल में जाएंगे, काम करेंगे, लेकिन उनको जो है मार दिया गया। ये कहीं ना कहीं गलत बात है और इस पर सरकार को भी सोचनी चाहिए कि अब हमारे साथ जो महिलाएं, हमारी जो डॉक्टर है जो हमको जीवन देता है, हम उन्हीं के साथ गलत करते हैं। ऐसे तो किसी के साथ नहीं करना चाहिए, लेकिन ये बहुत ही अंदर हमको और सभी भारतीयों को तकलीफ पहुंचाता है। एक चीज़ और देखने को मिलता है दोस्तों, हमारे भारत में अगर किसी महिलाएं के साथ गलत होती है तो हम लोग उनका मुजरा देखते हैं, उनके ऊपर मजाक बनाते हैं, वीडियो शूट करते हैं, लेकिन उनको सपोर्ट नहीं करते हैं। वहीं जब उनके साथ गलत हो जाए तो लोग चौराहे पर मोमबत्ती लेकर जाएंगे, उनके लिए प्रोटेस्ट करेंगे। दोस्तों बता दें कि आप जो मोमबत्ती जलाते हैं मरने के बाद, उनके साथ गलत होने के बाद, वो दिमाग में आप अपना मोमबत्ती जलाइए ताकि आपका दिमाग में अंधेरा हटे और आप सोचें कि जब भी कहीं गलत हो रहा है तो हम उसके साथ खड़ा हो, और पुलिसकर्मी नहीं मान रहा है तब हम उसका वीडियो बनाकर, और कोर्ट है हमारे लिए, हमारा देश है, हमारे देश का संविधान, बाबा साहब का संविधान है जो बड़े से बड़े को पटक सकता है, मौत के घाट उतार सकता है, ये बाबा साहब का संविधान है, जिनसे गरीब अमीर पैसा वाला जो भीख मांग रहा है सबके लिए संविधान एक ही है, जो भारत में जन्म लिया उनके लिए भी संविधान एक ही है। तो सलूट है ऐसे बाबा साहब को जिन्होंने ऐसा संविधान बनाया हमारे देश के युवा युवती एवं पूरे देशवासियों के लिए, जो एक जीने का राह सिखाया। दोस्तों बता दें कि ये गलत बात जब फैलता है तो लोग इन्हें देखना पसंद करते हैं। अभी हम पहले ही बताया था ना कि मोमिता देवनाथ का जो लोग सोशल मीडिया पर सर्च बार में इतना उनके वीडियो जो है सर्च किया गलत तरीके से, तो ये सब लोग इतना गलती होने के बाद भी गलत गलत तरीके से सर्च कर रहे हैं, तो शर्म आनी चाहिए उन लोगों को। आप जय हिंद कमेंट में लिखें और बताएं अपने देशवासियों को, ये वीडियो शेयर करें कि अभी नहीं होना चाहिए, अब हम लोग जाग चुके हैं, अब किसी के साथ नहीं होगा। तो दोस्तों इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। आप हमारे चैनल पर बने रहें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दें। जय हिंद, मैं आपका भाई विराट विशाल यादव।